तो मनीष कश्यप लोग जेल में जाने से ही लोग निखरते हैं। तमिलनाडु सरकार को कहा होगा कि तुम इन्हें से लगा दो, क्योंकि वो तो अभी उनको किसी मुकदमे में कोई जमानत नहीं हुई है, इसलिए वो जेल में है। यह मुकदमा तत्काल तमिलनाडु को अपनी साख बचाने के लिए इस मुकदमे को और एनएसए को तत्काल वापस लेना चाहिए। एक पत्रकार है मनीष कश्यप जी, जो स्वतंत्र पत्रकारिता करते थे, और इसके बाद उनके ऊपर एनएसए जैसी धारा लगा दी गई, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का मतलब यह हुआ कि जो है देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना, यानी देश के खिलाफ जब किसी को खतरा होता है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक विशेष अधिकार मिला है कि उस इंसान के ऊपर एनएसए जैसा कानून लगा दे। मनीष कश्यप के ऊपर सर एनएसए लगाना कहां तक सही है? अगर मनीष कश्यप गलत थे तो एनएसए लगाया जाना सही था या गलत? तमाम धाराओं में उनके ऊपर पहले भी इससे भी मुकदमा दर्ज था, लेकिन एनएसए की अगर हम बात करें तो क्या मनीष कश्यप से देश को खतरा था? क्या देश के लोगों को खतरा था? और अगर मनीष कश्यप गलत है तो एनएसए धारा उनके ऊपर क्यों लगाई गई? सही या गलत एनएसए लगाना? देखो, एनएसए सरकारें कई बार अपने वैमनस्यता में एनएसए लगा देती हैं, लेकिन न्यायालय है उसके लिए, एनएसए वो खड़ा नहीं होगा। मनीष कश्यप ने जिस प्रकार से गरीबों की, मजलूमों की आवाज उठाई, तो इन सत्ताधीशों को लगने लगता है कि कहीं ये हमसे आगे ना निकल जाए। ये हमेशा से होता है। ये मनीष कश्यप कोई पहले व्यक्ति नहीं है। आपने देखा होगा जब जेपी मूवमेंट था, चंद्रशेखर कांग्रेस में थे, इंदिरा ने उनको जाकर के गिरफ्तार करा लिया और लगभग महीनों जेल में चंद्रशेखर रहे। तो मनीष कश्यप लोग जेल में जाने से ही लोग निखरते हैं। गांधी बरसों तक जेल में रहे, तमाम धाराओं में मुकदमा, लेकिन एनएसए क्यों नहीं? वही तो मैं कह रहा हूँ, आप जितनी उसको पुलिस वालों को कहा गया होगा, यहाँ की सरकार चूंकि वो भी धर्म विरोधी सरकार है, ये भी धर्म विरोधी सरकार है, इस धर्म विरोधी सरकार ने तमिलनाडु सरकार को कहा होगा कि तुम एनएसए लगा दो, क्योंकि वो तो पेरियार के लोग हैं, पेरियार धर्म विरोधी थे, और उस पेरियार के नाम पर आश्चर्य मुझे यही होता है कि वहां पे दोनों पार्टियां AIADMK और DMK दोनों पार्टियां धर्म विरोधी हैं, लेकिन वोट देने वाला सब हिंदू है, उनके उनको कैसे वोट देता है भगवान जाने। लेकिन एनएससी की बात जहां तक है, मनीष कश्यप पे एनएससी निराधार रूप से लगा है, और न्यायपालिका को ऐसे अन्याय होते सीओ मोटो लेकर के उनके ऊपर से एनएससी तत्काल हटा देना चाहिए, नहीं तो कल न्याय के ऊपर लोगों का भरोसा उठ जाएगा। इतना जो डेट पे डेट कोर्ट दे रही है, इस पे तत्काल एनएससी से और सारे मुकदमों से, क्योंकि जो पत्रकार होता है, जो अब नेता लोग आए दिन मंचों से झूठ बोलते हैं, क्या उनके ऊपर एनएसए लगता है? अपने ऊपर तो एनएसए कभी लगवाते नहीं है जी। अब यह राजनीतिक षड्यंत्र के तहत एक व्यक्ति को समाप्त करने का और उसको खत्म करने का एक कुचक्र है। अभी उनको किसी मुकदमे में कोई जमानत नहीं हुई है, इसलिए वो जेल में है। और एनएसए कोई एक ही स्टेट लगा सकता है, चूंकि मामला तमिलनाडु का था इसलिए तमिलनाडु ने एनएसए लगाया, चूंकि दो राज्यों में वैमनस्यता का विषय था इसलिए तमिलनाडु को लगा। और देखो, यह पूरी तरह से वैमनस्यता फैला सकते हैं, आपको लगता है? पूरी तरह से यह बिहार सरकार के दबाव में तमिलनाडु सरकार ने यह मुकदमा उनके ऊपर दर्ज किया है। यह मुकदमा तत्काल तमिलनाडु को अपनी साख बचाने के लिए इस मुकदमे को और एनएसए को तत्काल वापस लेना चाहिए, और नहीं तो न्यायालय को लगाने वाले, जो आदेश देने वाले अधिकारी के ऊपर कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज करना चाहिए, नहीं तो फिर मैं कह रहा हूं न्याय से विश्वास लोगों का उठ जाएगा। और मैं फिर से कह रहा हूं तमिलनाडु सरकार को भी और बिहार सरकार को भी, एक युवा, होनहार युवा, जो गरीबों के पक्ष में खड़ा होने वाला व्यक्ति था, कल को कोई विषय उठाने के लिए तैयार नहीं होगा, डर जाएंगे सब लोग, तो डराने का काम नहीं करना चाहिए। यह देश है, इस देश के नागरिक है मनीष कश्यप, और मैं सुनता रहता हूं उनको कि लगातार जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसको उठाते रहते हैं। अभी हमारे साथ स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज थे और तमाम बातों के ऊपर हम बात कर रहे थे, लेकिन समय का कमी है, इसीलिए तमाम अन्य विषयों पर हम बात नहीं कर सकते हैं। फिर भी जो बातें इन्होंने बोली है सर, वो सच में सही है, लेकिन इस देश की कानून व्यवस्था पर, संविधान पर और न्यायपालिका पर सबको भरोसा रखना होगा।